भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दरअसल सीपी ठाकुर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर ले और कोरोना टेस्ट करवा ले। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद अब राज्य में सियासी घमासान मच गया है। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। वहीं छठ व्रती आज भगवान सूर्य को अर्घ देगी। इसको लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से लगातार दिशा निर्देश को अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। गया जिले में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक प्रेम कुमार ने शहर के कई घाटों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहीं इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आस्था का महान पर्व छठ प्रारंभ हो गया है और यह पर्व अपने आप में महान पर्व है। पूरे दुनिया मनाया जाता है और देश के सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर लोक आस्था का पर्व मनाते हैं। जाकर के आज बिहार में भी बड़े पैमाने पर घाटों में, नदियों में, तालाबों में सरकार के सबसे बेहतर व्यवस्था की गई है। साथ साथ स्थानीय नागरिकों के द्वारा भी आगे बढ़ करके स्वच्छता को महत्व दिया जाता है छठ पर्व में जाकर। दरभंगा के बिठौली गांव में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही गांव के डीलर से जमीन को लेकर विवाद हुई थी। उसके बाद कुछ अज्ञात लोगों ने डीलर के घर पर हमला बोला, जिसमें मृत व्यक्ति के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। मसौढ़ी में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल नए ट्रेनी आईपीएस शुभम आर्य ने पदभार संभालते कारोबारियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में शराब जब्त किए जा रहे हैं।